हेलो गाइस, कैसे हो आप सब यार। कॉन्ग्रेचुलेशन सलमानिया यार, 100 मिलियन कंप्लीट हो गया लेके प्रभु का नाम को। अब आप सोच रहे हो यार आप झूठ बोल रहे हो, कैसे बता रहे हो 100 मिलियन हो गया। मैं बताता हूँ कैसे हो गया। जब ये सॉन्ग रिलीज होने वाला था उससे पहले मैं कंटिन्यू एक चीज बोल रहा था सलमानिया को, कंटिन्यू एक बार बोल रहा था यार देखो इस सॉन्ग को देखो शेयर करो, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, इंस्टाग्राम पे सलमान भाई के 66 मिलियन फॉलोअर्स है, 45 मिलियन ट्विटर पे फॉलोअर्स है, आप चले जाओ फेसबुक पे 51 मिलियन है। इतने फॉलोअर्स होने के बाद जो है फर्स्ट डे इसका लेके प्रभु का नाम व्यूज कितने आते हैं, 23। अभी देखो डेढ़ दिन कंप्लीट होने वाला है, 23 मिलियन ही है और 1 मिलियन लाइक भी नहीं हो पाई है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कुछ निकम्मे फैन सलमान खान के हैं, जिसको मेरी बात शायद थोड़ी बहुत बुरी लगेगी, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ यार, ये गाना उस लेवल का नहीं था जैसा इसको 23 मिलियन मिला है। यार हनी सिंह का गाना आया वो बताओ इतना टॉप चार्ट बस्टर पे चला गया, और सलमान भाई का उससे ऑरा कम है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, ये बताओ उनका ऑरा इससे कम है? क्योंकि जितने सलमान खान के फैन है ना, सलमान खान का ट्रेलर आता है या सॉन्ग आता है कुछ आता है ना, वो अपने ही पोस्ट कर देते हैं अपने ही आईडी पर जाकर। अच्छा ट्विटर पे भरा पड़ा है, जो मेन सीन थे गाने के जो थे वो अपना ही पोस्ट कर दिए जाकर, समझ रहे हो? तो कहां से व्यूज आएगा इन बेकूफों को? मैं बार बार बोलता हूँ सलमान के फैंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप फिल्म का ट्रेलर आए या सॉन्ग आए तो अपने पोस्ट पे करके अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाओ, ठीक है? इसी वजह से जो सलमान खान, बताओ मेगा स्टार सलमान खान जिसकी टाइगर 3 फिल्म एक जबरदस्त बस बनाकर रखी हुई है, उसका सॉन्ग आता है वही फर्स्ट टाइम अरिजीत सिंह के साथ, और वो सॉन्ग जो है 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा क्या है यार, 24 घंटे से ऊपर हो गया, अभी भी 23 मिलियन है यार। शर्म की बात है यार, बहुत शर्म की बात है। बार बार अपनी हर एक वीडियो में एक चीज बोल रहा हूँ यार भाई, प्लीज जो है आप लोग जो इसको देखिए और इसको शेयर कीजिए और ना कि अपने पे पोस्ट कीजिए, लेकिन मानते ही नहीं है। और इसमें आपको पता है कितने जो हेटर्स हैं वो भी यही काम कर रहे हैं, वो भी सलमान खान का गाना जो है अपने पे पोस्ट कर रहे हैं, ये उस पर कॉपीराइट क्लेम आए कुछ भी आए लेकिन कर रहे हैं, क्योंकि उनको आईडी चलानी नहीं, बस उनको जो है किसी तरीके से ये डाइवर्ट करना है कि उस पर व्यूज ना जाए, हमें पे लोग हमारे पे ही देख लें, उस पर ना जाए वायरल पर, और यही काम खुद सलमान खान के फैंस भी कर रहे हैं। तो बताओ कि यार आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो लोग कह रहे हैं कि 24 घंटे में 50 मिलियन 60 मिलियन हो जाएगा 70 मिलियन हो जाएगा, कहां से हो पाएगा यार? नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा भाई। और जो लोग ये पोस्ट करते हैं मालूम है क्यों करते हैं? जानबूझ के, वो सलमान खान से मोहब्बत नहीं होती इन नल्ले लोगों को, ये सलमान के नल्ले जो फैन है उनको सलमान से मोहब्बत नहीं है, उनको ये अपने पे रिट्वीट बढ़ाना है, लाइक्स बढ़ाना है, अपना देखना है चैनल, ना कि सलमान का देखना है। वो सलमान का सिर्फ नाम लगाते यार, वो चीज मैं भी कर सकता हूँ, जाके ट्वीट कर सकता हूँ उनके वीडियो को, उनके ट्रेलर को, उनके गाने को, लेकिन मैं नहीं करता यार। और मैं कल लाइव जब रात में आया था तो 2-3 भाइयों ने मुझसे लाइव में आके बोला भाई यार 24 घंटे में 50 मिलियन से ऊपर होगा, मैंने कहा यार उससे भी ऊपर होना चाहिए, लेकिन जब अभी सुबह सुबह को उठा यार मैं शॉक्ड हो गया यार, हैरान हो गया अपना सलमान भाई यार, एक मेगा स्टार सलमान जिसका क्रेजनेस बाप लेवल का है, और इस फिल्म का तो बस आपको पता है कि इतना जबरदस्त है कि सबसे ज्यादा सर्चिंग में कोई चीज होती है वो इस टाइम हो रही है टाइगर 3 को लेकर, लेकिन उसका जब गाना आता है तो वो गाना जो है 23 मिलियन होता है। शर्म आनी चाहिए, कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही होंगी लेकिन ये बात फैक्ट है, 100% साउथ वालों से कुछ सीखो यार, वो कितना सपोर्ट करते हैं। और सलमान भाई के जो फैन है ना उनको वर्ल्ड में लोग जानते हैं, लेकिन आजकल जो है सलमान खान के फैंस को पतन क्या हो गया है, वो ज्यादा इंटरेस्ट सलमान भाई के उस पर नहीं कर रहे हैं, वो अपने ही बनाने के चक्कर में पड़ गए हैं कि हमारा ही सबसे पहले बन जाए सलमान खान के नाम पर। यार सलमान खान के नाम पर बनेगा, उनके बारे में आप अच्छी बात बताओ तो भी उनके फैंस आपको देखने आएंगे, ना कि उनके ट्रेलर को ना कि उनके सॉन्ग को आप अपने पे डालो, ठीक है? मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो प्लीज यार उसके लिए सॉरी, लेकिन ये बात फैक्ट है।